हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट जेम्स। अगर चारों ओर आपके जीवन में भी अंधेरा छा गया है, कहीं पे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। पूरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा और सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बहुत ही सुंदर कहानी है। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, सब जगह पे अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ एक कमरे में चार मोमबत्तियाँ जल रही थी, जिससे वो पूरे कमरे में उजाला प्रकाश आ रहा था। चारों मोमबत्तियों ने अकेले में देखा और अपने आप से बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मेरा नाम शांति है, पर अब मुझे लगता है कि ये दुनिया में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों ओर आंधाधुंधी, लूट, चोरी, ये सब चल रहा है, तो मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पे रहना कोई सेफ नहीं लग रहा है। ऐसा कह के वो पहली बारी मोमबत्ती बुझ गई। ये सुनकर दूसरी मोमबत्ती ने बोला, मेरा नाम विश्वास है, मुझे कहीं पर भी मेरे लिए यहाँ ये दुनिया में जगह ही नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सब और धोखा, नफरत, ये ही सब चल रहा है। कहीं पे भी मेरा स्थान है ये मुझे नहीं लग रहा है, धोखा मेरा स्थान लेते जा रहा है। ये कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। उसके बाद तीसरी मोमबत्ती ने भी दुखी होते हुए कहा, मेरा नाम प्रेम है, मैं लोगों के लिए जल सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी के अंत तक जल सकती हूँ, पर सब जगह पे मुझे तो नफरत दिख रही है, नफरत मेरा स्थान ले रही है, किसी के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। कोई अपने आप को भी प्रेम, अपने आप के लोगों को भी प्रेम से बातें नहीं करता, अपने आप से भी प्रेम से बातें नहीं करता, कोई वक्त ही नहीं है, अपने लोगों के साथ भी प्रेम से बातें नहीं करता है, तो मेरी तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहकर ये मोमबत्ती भी बुझ गई। तीनों मोमबत्तियाँ बुझने के बाद एक लड़का जब वो कमरे में आता है तो तीनों मोमबत्तियों को बुझी देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। जब वो दुखी हो गया तो चौथी मोमबत्ती ने उसको बोला, घबराओ नहीं बालक, मैं अभी तक जल रही हूँ और मेरा नाम है आशा, मेरी जलने की लौ से तुम बाकी तीनों मोमबत्तियों को जला सकते हो। तब बालक को थोड़ी शांति हुई कि आशा के साथ हम अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और शांति की लौ को जला सकते हैं। तो इसी से हमें भी हमारे जीवन में यही सीख मिलती है कि हर एक के जीवन में कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है। हर समय सबके जीवन में अंधेरा, सबके जीवन में उजाला नहीं होता है। जब हमें लगे कि हमारा कोई अपना नहीं है, विश्वास हमारा सबके ऊपर से उठने लगे, दुनिया में हमें अशांति लगने लगे, हमारा मन अशांत हो जाए, तब सिर्फ एक आशा, आशा ही है, आशा की किरण हम अपने आप में अगर जला सकते हैं, जैसे आशा की मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को जला सकते हैं, वैसे ही आशा की एक किरण से हम अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और शांति को भी पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो हमेशा आशा का दीपक अपने अंदर जलाए रखो, हमेशा आशा के साथ ही आगे बढ़ो। अगर अभी कुछ गलत हो रहा है, अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इतनी आशा रखो कि आने वाले समय में सब कुछ सही होने वाला है। भगवान ने हमारे लिए जो कुछ सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। ये आशा के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो 100% सबके जीवन में प्रेम, विश्वास और शांति पुनः स्थापित होने ही वाले हैं।